यहाँ पर जो लास्ट टाइम देखा होगा आपने, किस ये भी बिल्कुल क्लीन हो गया। नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी गाड़ी पर रबिंग कराने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, काफ़ी सारे लोगों से बात करने के बाद, मैं आज अपनी गाड़ी पे रबिंग और पॉलिशिंग कराने जा रहा हूँ। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और बताऊंगा आपको कि कब ये करवाना चाहिए, कैसे कैसे होता है, क्या प्रोसीजर है। और अभी देखिए मेरी गाड़ी की हालत क्या है, क्यों मुझे ज़रूरत पड़ रही है रबिंग पॉलिशिंग कराने की। तो दोस्तों, ये है मेरी 2013 मॉडल, लगभग 8 साल पुरानी होंडा अमेज, और इस पर आज तक मैंने कोई भी पेंट की ड्रॉप टच नहीं कराई है, भगवान की दुआ से आज तक कभी लगी नहीं, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन इस पर क्या है कि टाइम के साथ साथ काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं, जैसे कि ये किसी ने मार दिया है इस पर स्क्रैच, तो ये तो ज़्यादा डीप है, जैसे आप अगर देख पाएँ तो ये पेंट भी निकाला हुआ है यहाँ पर। बट इसके साथ ही आप देखेंगे तो इस टाइप की ये स्क्रैचेज़ हैं, जैसे इसके ऊपर कुत्ते वगैरह काफ़ी चढ़ जाते हैं, जैसे गाड़ी बाहर कभी खड़ी रहती है तो कुत्ते चढ़ जाते हैं, उनके पंजे से पूरे बोनट पे स्क्रैचेस आ गए हैं, पूरी रूफ़ पे उन्होंने स्क्रैचेस डाल दिए हैं, और थोड़ी सी ना पेंट की शाइन भी कम हो गई है टाइम के साथ साथ। ये देखिए कुछ इस टाइप के स्क्रैचेस आ गए हैं। तो रबिंग में देखते हैं कि इस टाइप के स्क्रैचेस कितने अच्छे से निकल पाते हैं, तो ये हम आज देखेंगे। अगर ये निकल जाएंगे तो काफ़ी अच्छी गाड़ी की लुक आ जाएगी, काफ़ी अच्छी एकदम क्लीन सी हो जाएगी। तो ये इस टाइप के छोटे छोटे बहुत स्क्रैचेज़ आ गए हैं इस पर, ये यहाँ पर हैंडल खोलने में, बंद करने में देखें कितने सारे स्क्रैचेज़ हैं, ये इस टाइप के। तो काफ़ी ना इनसे डल हो गई है गाड़ी, पेंट भी डल लगने लगा है। छत के ऊपर देखें तो कितने सारे यहाँ पर भी छोटे 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 स्क्रैचेज़ दिखेंगे आपको। तो इसकी वजह से क्या है कि पूरी गाड़ी की ओवरऑल लुक ही डल हो गई है। तो आज देखते हैं दोस्तों, लेके इसको चलते हैं रबिंग पे, और रबिंग पॉलिशिंग के बाद देखते हैं कि कितना इफ़ेक्ट पड़ता है इसके ऊपर, कितनी कारगर है रबिंग पॉलिशिंग, और कितने हद तक स्क्रैचेस ये निकल पाते हैं इससे। तो चलिए दिखाता हूँ आपको पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, गाड़ी रबिंग पॉलिशिंग होके वापस आ चुकी है, और अब मैं आपको बताऊँगा कि इस पूरे प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो बेसिकली मेरी गाड़ी पे जो रबिंग एंड पॉलिशिंग हुई है, इसमें टोटल 6 स्टेप्स हुए थे। सबसे पहले उन्होंने गाड़ी के सरफेस को क्लीन किया था पहले स्टेप में, और सेकंड स्टेप ये था कि उन्होंने 1000 नंबर के सैंड पेपर से इस गाड़ी के सरफेस के ऊपर पूरी इसको क्लीन किया था, पूरी इसको उनकी अगर लैंग्वेज में कहें तो कटाई, पेंट की कटाई की थी। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि पेंट के ऊपर की जो एक लेयर होती है जो कि ऑक्सीडाइज़ हो जाती है, या फिर उसके ऊपर स्क्रैचेज़ होते हैं, माइनर स्क्रैचेज़ होते हैं, या फिर गलती से कोई पेंट के छींटे आ जाते हैं, या रोड के ऊपर तारकोल के थोड़े छींटे आ जाते हैं, वो सब उस 1000 नंबर के जो सैंड पेपर होता है, रेगमाल होता है 1000 नंबर का, उससे जब ये रब करते हैं तो उससे वो सारा निकल जाता है, उससे ऊपर की लेयर पूरी एक क्लीन हो जाती है, ऊपर की लेयर कट जाती है। तो बेसिकली वो लोग अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं ऊपर की पेंट की लेयर काटना। तो सेकंड स्टेप में वो 1000 नंबर के सैंड पेपर से ऊपर की एक लेयर काटते हैं, ये होता है वो 1000 नंबर का रेगमाल, बिल्कुल ही मतलब रेगमाल जैसे आप देखते हो खुरदुरा सा, वो नहीं है, नंबर के हिसाब से होता है, बहुत ही कागज़ की तरह बहुत बारीक। तो ये इसने शुरू कर दिया इस पे पार्ट पे, ये देखो थोड़ा सा ना ये मैल सा निकलने लगा, मैल सा क्या बेसिकली इसकी बताई सी बता रहे ना वो साफ हो, हाँ ऊपर की जो गंदगी है या ऊपर की वो लेयर कट रही है हल्की सी, देखो ये पेंट के अंदर है, हाँ ये पेंट के अंदर है, तो ये पेंट है ही नहीं वहाँ से, तो वो चमकेगा क्या, चमकेगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि जो ऊपर वाली लेयर थी ये पाउडर सा बन के ये छूट रहा है, ये इसकी ऊपर की लेयर है बेसिकली, और ये यहाँ से अब छूटने के बाद देखो बिल्कुल रफ हो गया, कोई शाइन नहीं रहा इसमें। तो इस पर जो ऊपर की तरफ जो हल्के फुल्के स्क्रैचेस थे वो सब बेसिकली ख़त्म हो जाएंगे। ये बारीक स्क्रैचेस हैं बट ये पेंट के अंदर तक घुसे हुए हैं, इसलिए ये नहीं निकल पाएंगे। थर्ड स्टेप में दोस्तों उन्होंने एक एडीसी कंपनी का रबिंग कंपाउंड यूज़ किया था,
उससे क्या होता है कि जितने भी स्क्रैचेस वगैरह होते हैं सरफेस के ऊपर वो सब उससे निकल जाते हैं, जो कि बड़े स्क्रैचेस होते हैं तो रबिंग कंपाउंड से वो निकल जाते हैं। तो वो आप उन्होंने मशीन किया का भी उसमें इस्तेमाल किया था और साथ के साथ हाथ से भी उसको क्लीन किया था। सेलो कोट रबिंग कंपाउंड, मशीन से एक बार रफ होने के बाद हाथ से फिर उसको फिनिशिंग कर रहा है। रबिंग ही चल रही है, पर रबिंग में भी जहाँ पर मशीन नहीं जा पाती वहाँ पे हाथ से फिनिशिंग चल रही है। फोर्थ स्टेप जो होता है दोस्तों, उसमें रबिंग कंपाउंड यूज़ करने के बाद गाड़ी की पूरी क्लीनिंग होती है, पूरी मतलब वॉशिंग होती है। गाड़ी को बे पे ले जाकर वहाँ पर उसको अच्छे तरीके से शैम्पू से वॉश किया जाता है सारे सरफेस को। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है दोस्तों कि जब एक रबिंग कंपाउंड यूज़ होता है उसके बाद गाड़ी धुल के आती है तो गाड़ी के ऊपर कोई शाइन नहीं होती, बिल्कुल डल हो जाती है। गाड़ी का पेंट ऊपर से लेयर कट जाती है, पेंट के ऊपर की सफाई हो जाती है पेंट की, बट बेसिकली गाड़ी एकदम से डल हो जाती है, कोई शाइनिंग नहीं होती उसके ऊपर। तो उसको क्लीन करने के लिए और थोड़ी सी उस पर शाइन लाने के लिए एक 3M का फिनिशिंग कंपाउंड इस पर यूज़ होता है फिफ्थ स्टेप में। तो उसको वो मशीन का यूज़ करके और हाथ से अपना रबिंग करके कपड़े से इसके ऊपर एक शाइन लाते हैं और वो सारी जितने भी इसके अनइवन जो थे और स्क्रैचेस थे, माइनर स्क्रैचेस थे, वो सब उसमें निकल जाते हैं और एक शाइनिंग आ जाती है। और धुलने के बाद अब ये पतली वाली रबिंग पॉलिश है, ये 3M की जो मैंने आपको दिखाई थी, इससे शाइन उठेगी। तो है ये बेसिकली रबिंग ही, इसको अगर देखें हम तो हाँ बहुत हल्का सा दाना सा है इसमें, बहुत बारीक, इसे ये शाइन उठाएंगे अब। हाथ से ही पॉलिश लगा रहा है, ये मशीन से वाइट वाइट हो जा रहा था सारा, पाउडर सा इस पर प्रॉपर फिनिश नहीं आ रही थी, तो हर जगह मशीन भी नहीं चलती। तो दोस्तों सिक्स और फाइनल स्टेप में उन्होंने फार्मूला 1 का एक कार वैक्स लिया था और उसको पूरा गाड़ी पे पूरे सरफेस पे अप्लाई किया था और उसके बाद थोड़ा उसको सुखाया था और सुखाने के बाद कपड़े से उसको काफ़ी इसको रब किया और काफ़ी अच्छी इस पर एक शाइन आ गई और फिनिशिंग आ गई। तो वो एक फाइनल स्टेप होता है। तो इस तरीके से पूरा 6 स्टेप में गाड़ी की रबिंग एंड पॉलिशिंग ओके कंप्लीट हो गया। तो अब लास्ट में इन्होंने लगाई है ये फार्मूला 1 वाली पॉलिश और इसे लगा रखने के बाद ये कुछ रिज़ल्ट आया है, देखिए। तो ये है कुछ रिज़ल्ट के सामने, अभी थोड़ा शेड में है, बाकी शाइनिंग का आपको आइडिया हो रहा होगा और मैं आपको दिखाऊंगा अभी जो जो स्क्रैचेस थे पहले तो कितना फ़र्क पड़ा है। तो कुछ ऐसी शाइनिंग आई है, ये जो अंदर के स्क्रैचेस थे ये तो नहीं निकले हैं, बाकी ये भी हैं कि इस पर पेंट ही नहीं है, पर यहाँ पर कुछ हल्के हल्के स्क्रैचेस थे वो गायब हो गए हैं। अब जो ज़्यादा डीप थे वो रह गए ये पे, यहाँ पे ये पेंट ही यहाँ पर नहीं है, बाकी इसके आगे जो यहाँ पर थे थोड़े थोड़े वो निकल गए। बम्पर पे साइड में है ही, और यहाँ पर जो टक टक से ये एक अच्छा ये पेंट ही निकला हुआ है ये, हाँ जैसे कभी तेज़ी से बजरी आती है रोड पे तो कुछ लगता है तो पेंट ही निकला हुआ है यहाँ से। बाकी वो जो कुत्तों वाले स्क्रैचेस थे वो नहीं दिख रहे अब, ये पेंट के अंदर ये पेंट के अंदर का है, बाकी इसके अलावा कोई और स्क्रैच अभी नहीं नज़र आ रहा। यहाँ पर जो लास्ट टाइम देखा होगा आपने किस वो ऊपर ऊपर से था वो निकल गया सारा, बिल्कुल क्लीन हो गया, ऐसे ही दरवाज़ा भी बिल्कुल क्लीन हो गया है।
और ये भी साइड भी, और यहाँ पर भी एक था, मैंने आपको पीछे दिखाया है। ये भी बिल्कुल क्लीन हो गया। तो दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि इस पूरे प्रोसेस में कितना टाइम लगता है। तो मेरी गाड़ी पे लगभग 1.5 दिन लगा है, और एक्चुअली अगर आप तरीके से अगर कोई करेगा तो इतना टाइम गाड़ी पे लगेगा। 1 दिन में होनी बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ 2 बार तो गाड़ी की धुलाई होती है, और उसके बाद जब ये पूरा वर्क करते हैं मैनुअली तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि जो मशीन के RPM होते हैं वो भी काफ़ी कम रख के करने पड़ते हैं इसकी पॉलिशिंग पे, और मशीन से उतनी ज़्यादा स्मूथनेस नहीं आ पाती इतनी कि वो हाथ से लाते हैं। सो टाइम टेकिंग तो है, 1 से 1.5 दिन कंप्लीट लगता है इसमें। अब बात करते हैं दोस्तों कॉस्ट की, तो कितनी इस पर कॉस्ट आई। बेसिकली इसमें काफ़ी जगह पर मैंने पता करा था तो काफ़ी सस्ता भी हो रहा था, बट जो मुझे चाहिए था, जो जिस तरीके से जो एक होता ना एक सेटिस्फैक्शन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तो वो मुझे उस बंदे के यहाँ पे दिखा था। सो मैंने वहीं पर कराया, तो उसने मुझसे 1500 रुपये चार्ज करे इसके, तो 1500 रुपये में उसने मुझे ये कंप्लीट गाड़ी रबिंग एंड पॉलिशिंग करके दी। तो दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि हमें ये रबिंग एंड पॉलिशिंग कब करानी चाहिए। सो इसका एक सिंपल सा आंसर है, मेरी गाड़ी को 8 साल हो गए थे, 8 साल बाद मैंने अब जाके कराया है, और आपको मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में ही कि किस तरीके के माइनर स्क्रैचेस आ गए थे काफ़ी सारे इसके पार्ट्स के ऊपर, काफ़ी सारे पैनल्स के ऊपर। तो इसलिए मैंने अब जाके 8 साल बाद इस पे ये रबिंग करवाई है। तो बेसिकली अगर कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हो। अगर पेंट के धब्बे लग जाते हैं गाड़ी के ऊपर, या किसी पार्ट पे पर्टिकुलर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस आ गए हैं इस टाइप के, देखो अगर पेंट के अंदर स्क्रैच है तो वो किसी भी रबिंग पॉलिशिंग से नहीं जाने वाला, लेकिन पेंट के ऊपर स्क्रैच है तो वो आराम से इससे निकल सकता है, काफ़ी हद तक निकल सकता है। तो अगर आपके किसी जैसे डॉग्स या पैट्स वगैरह के नखूनों से आ जाते हैं स्क्रैचेस, इस टाइप के स्क्रैचेस आ गए हैं, बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर से भी आप निकलवा सकते हैं। ऐसा नहीं कंप्लीट गाड़ी कराओ, पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर करा लो, लेकिन अननेसेसरी शाइनिंग के लिए, पॉलिशिंग के लिए तो पॉलिशिंग काफ़ी है, रबिंग केवल ज़रूरत पड़ने पर या बहुत ही नेसेसरी हो तभी करानी चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आंसर ज़रूर दूंगा। तो फिर मिलता हूँ दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। तो इसने करी है विकास ने ये, तो विकास एक बात बता भाई, ये जो शाइनिंग है इसे धोने के बाद निकल तो नहीं जाएगी? नहीं, ये तो पापा बताएंगे इस टाइम।